हेलो गाइस, ये है मदर्स डे और मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट मेरे बच्चों ने किया है। और ये देखो, केक भी बनाया अपने हाथों से, मॉम लिखा हुआ इस पर। और ये मेरा स्पेशल गिफ्ट है जो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, और इसको मैं अपने नए ऑफिस में रखूंगी। काटते हैं केक। हैप्पी मदर्स डे। अल्लाह करे मेरे बच्चे हमेशा से खुश रहें और मेरे साथ, जब तक अच्छा हूँ तब तक मेरे साथ ऐसे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शालू चिश्ती की दुनिया में आप सबका वेलकम है। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबके दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं और एक पर्सन को आप मिस कर रहे होंगे, रोजी को, क्योंकि रोजी आजकल सलाम नहीं करती। वो बदतमीज हो गई है, वो भूल गई है कि सलाम कैसे करते हैं। करो अस्सलामुअलैकुम, जल्दी कर लो। आ गई, सॉरी गाइस, सॉरी रोजी को, सॉरी आ गई। जल्दी करो, सलाम करो, बोलो अस्सलामुअलैकुम। देखो गाइस, मैंने कहा था ना, बदतमीज हो गई है, सलाम नहीं करती है ये। सलाम कर ले, कर ले। अच्छा नहीं, रोजी बहुत ही प्यारी है गाइस। रोजी की ना तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से रोजी ना थोड़ी सी मतलब रूड हो गई है, बट बहुत प्यारी है मेरी रोज, बहुत प्यारी। सलाम कर ले, सलाम कर ले, सलाम कर ले। अरे मेरा रोजा, सलाम कर ले, मेरा रोजा, मेरा फ्रोजा। गाइस देखो, कितनी प्यारी सी बेटी है मेरी, कितनी प्यारी सी बेटी है। वीडियो में तो ये आना चाहती है, पर आजकल सलाम नहीं करते। सलाम भी तो करना जरूरी होता है। तो रोजी वीडियो मांगने के लिए आई थी। कोई नहीं, बाद में कर लेगी। मम्मा ने कर लिया ना रोजी की तरफ से सलाम। अच्छा मेरा रोजू, मेरा रोजू। और गाइस, मैंने एक रेमेडी तैयार की है। आपको मेरे फेस में कुछ फर्क लग रहा होगा, अभी मेरा फेस बहुत ज्यादा खराब हो गया था। और वो खराब क्यों हो गया था, एक्चुअली मुझ पर एनिमल अटैक हुआ था, जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। उसमें एनिमल के नेल्स और मतलब उसने बाइट वगैरह कर लिया था, जिसकी वजह से मेरा फेस काफ़ी ख़राब हो गया था और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। बट अभी अल्लाह का शुक्र है, मेरा फेस बिल्कुल ठीक हो गया। और अटैक भी उसने फेस पर ही किया था, फेस पर, मेरे सर में। तो अभी अल्लाह का शुक्र है, मेरा फेस बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमने फिर शुरू कर दिया अपने फेस पर काम करना। तो अभी मैंने वन टाइम किया है, तो वन टाइम से ही मुझे काफ़ी इफेक्ट लगा है। और आज फिर हम करेंगे रात को, तो मैं उसको कम से कम वन वीक अपने ऊपर यूज़ करके देखूंगी, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए आपको ना मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना पड़ेगा, कि जो भी रेमेडी या रेसिपी या फिर जो भी कुछ मैं डालूंगी ना अपने चैनल पर, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी बिना सर्चिंग करे हुए। मतलब बिना सर्च करे हुए आपके चैनल पे ना, मतलब आपके यूट्यूब पे वो नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हाँ मैंने वीडियो डाल दिया और आप उसको देख सकते हो। गार्लिक और जिंजर का पेस्ट रखा हुआ है मेरे पास, मैं इसमें वो बाद में डाल दूंगी। और ये मैंने इसको कवर कर दिया, इसमें मैं सॉल्ट डाल देती हूँ। हमने डाल दिया इसमें सॉल्ट, और इसको हम ऐसे कट कर रहे हैं। और ये कट कर रहे हैं हम इसमें प्याज, क्योंकि इसमें भरने के लिए बटर बना रहे हैं मोमोज में। और यहाँ पर ग्रीन चिली कट कर देंगे। डाल दिया ऑयल, और इसमें हम डाल देंगे ऑयल में हमारा ये कीमा, जो हमने चिकन कीमा बनाया है। और इसके साथ ही हम ये जो हमने सामान लिया है, ऑनियन और ग्रीन चिली, वो भी डाल देंगे। डालेंगे सॉल्ट, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है, जितना आप खाते हो। और मैं थोड़ी सी टर्मरिक भी डाल दूंगी, धनिया डाल देना, धनिया भी डालो, हरा वाला वो तो डालूंगी।
अभी हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, डाल देंगे ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया और डाल देंगे थोड़ा सा चिकन मसाला। इसको अब हम सारी चीज़ें डाल के इसको पकने रख देंगे, करेंगे हम अपनी चटनी की तैयारी। इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा केचप, इसमें दो चम्मच तेल, पंखा बंद करना पड़ेगा। हमने चिकन कीमा बनाकर सारी सब्जियों के साथ इसको हल्के से फ्राई कर लिया था ये वाइट होने के टाइम तक। जब ये अच्छे से वाइट हो गया और सारी सब्जियां सॉफ्ट हो गई तो इसकी गांठें बन जाती है मोटी मोटी चिकन की। अब हम इसको दोबारा से मिक्सी में एक बार घुमा देंगे, तो घुमाने के बाद दिखाते हुए कैसा बन जाएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी मोमोस है ना हमारे, जो ड्राई नहीं लगेगा चिकन, वो सारे जूसी जूसी लगेंगे और जैसे अलग अलग से बिखरता है ना मोमोस में चिकन, वो नहीं बिखरेगा। एक दूसरे को ये पकड़ के भी रखेंगे और जूसी भी लगेंगे। बैटर तैयार हो गया, ये तुम्हारा बैटर हो गया तैयार चिकन में, चिकन का मोमोस में फिलिंग करने वाला, और ये चटनी। और अब यहाँ पर मैं आटा गूंथ रही हूँ, तो आटे में मैं डालूंगी 2 चम्मच ऑयल, और अभी हम इसमें पानी डाल के आटा गूंथ लेंगे। ये गूंथ गया हमारा आटा, और अब हम इसको रेस्ट दे देते हैं थोड़ी देर का, और इसके ऊपर है ना ऑयल लगा दूंगी मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके। अब ये बन रहे हैं हमारे मोमोस, और अभी तो इसको रोटी की तरह बेल रहे हैं, फिर अभी बताते क्या करेंगे, करना पड़ेगा। पानी तो बेलूँ, हमने एक बड़ी सी लोई बेली, उसके बाद हमने ये कट कर लिए, और अब हम इनमें फिलिंग कर देंगे। फिलिंग करने के बाद इनको हम ऐसे बंद करेंगे, और डिजाइन तो आपका आया ही नहीं आता क्या? अरे इसमें नहीं आया ना, ये देखो आ गया। और अब हम इनको ऐसे ही रखते रहेंगे, इतने बड़े बड़े ठीक है, क्यों बड़े कर? हाँ इतने ठीक है। ये हो गए हमारे सारे मोमोस, हमने रेडी करके रख लिए। ये देखो कितने सारे मोमोस हैं, और मैंने इसमें ना, हमने देखो वैसे ना मेरे पास वो नहीं है मोल्ड जो होता है घर में, किसके पास होता है यार, किसी के पास नहीं होता। अपनी इस बड़ी वाली कढ़ाई में पानी भर दिया है, और ये देखो जाली वाली छन्नी रख दिया, और मैंने इसको ग्रीस कर दिया सारे में से, और इसको मैं ना हीट कर रही हूँ। अभी ये पानी जब बॉयल होने लगेगा ना, तब अभी मैं ढक के रख देती हूँ इसको, और जब ये हीट होने लगेगा ना तब हम इसमें मोमोस रखेंगे। और इस तरह से हम इसमें अपने सारे मोमोस रख देंगे। और मोमोस के साथ साथ बन गया हमारा टैंग, क्योंकि अगर मिर्ची लगेगी तो हम टैंग के साथ ही इसको दूर कर पाएंगे ना, तो बन गया टैंग हमारा दस्तरखान। और मैंने यहाँ पर रख दिया ये कोल्ड ड्रिंक, ये बन गए हमारे मोमोस, और सबके प्लेट तैयार हो गई। ये हो गई सबकी प्लेटें रेडी, ये बन गए हमारे मोमोस, ये देखो। और बस कैसे मोमोस कैसे अरबाज, सपना कैसे लग रहे मोमोस? सिर्फ अच्छे लग रहे हैं, अब क्या बोलूं? मतलब बोलने के लिए शब्द नहीं है।
कर देखती हूँ, बताती हूँ कैसे लग रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब पहले मैं खा लूँ फिर मिलती हूँ। बताते कि हम जहाँ पर गए थे हमें वहाँ से फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी मतलब सिस्टर की डॉटर है जिसके यहाँ बहू आई है और वो मुझे बार बार बुला रही थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्यों बुला रही है, पर वहाँ जाने के बाद मैं खुद सरप्राइज हो गई कि हमारे लिए वहाँ पर गिफ्ट रखे हुए थे। तो वो गिफ्ट क्या थे मैं दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये वाला एक सूट था, ये देखो ये वाला। रोजी नहीं, रोजी तेरे लिए भी है, तेरे लिए भी, ऊपर आ जा। ये वाला सूट था सबसे पहले तो, और इसका ये दुपट्टा है, मतलब ये सेम पूरा ऐसा ही है। और एक सूट ये वाला था, ये तो मुझे लगता है कि मेरे पास ये कई सूट हो गए, कई मतलब अभी मैंने ईद पे भी ऐसे ही बनाया था तो मेरे पास एक ही कलर में कई सूट हो गए, तो मैं इसको तो अभी रख दूंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। और एक और चीज बताती हूँ मैं आपको, ये दोनों हमें सूट मिले थे वहाँ से मुझे, और वहाँ से पैसे मिले थे जो बहू के यहाँ से मिलते हैं ना, मिलनी कहते हैं क्या कहते हैं उसको, वो पैसे मिले थे। और सपना को और नोनू को, इन दोनों को अलग अलग मिले थे, और वहाँ से जो मिले थे उसमें मिलाकर ना उसने दिए थे कि ये मेरे छोटे बहन भाई हैं तो मैं इनको तो मैं अपनी साइड से भी दूंगी। और ये देखो ये वाला उस इस वाले सूट के साथ का सलवार का कपड़ा था ये। आजकल तो सलवार के कपड़े ऐसे आते हैं तो अभी तो हम इसको ऐसे रख देते हैं। और ये तो थे हमारे गिफ्ट जो हमें वहाँ पे मिले थे। अब मैं आपको वो बता देती हूँ, मैंने आपको दिखाया था ना ये मैंने कुर्ता बनाया था सपना का, और सपना ने इसके साथ है ना पटियाला सलवार बनवानी है, तो ये रहा कुर्ता। और एक चीज ये भी देख लें कि ये मैंने आप लोगों को दिखाया था ना बिल्कुल प्लेन फ्रॉक बनाई थी मैंने, और मैंने कहा था इस पर काम बाकी रह गया है तो मैं तो इसको रख कर अभी भूल ही गई थी क्योंकि इतना टाइम नहीं था। और देखो सपना ने क्या कारीगरी करी है, ये देखो ये देखो कितनी सफाई से उसने काम किया है, जबकि मतलब मेडिकल स्टूडेंट है, अपनी स्टडी के साथ साथ जॉब के साथ साथ उसने कितनी खूबसूरती से ये काम को अंजाम दिया है, ये देखो। और नेक पर भी ये देखो कितना सुंदर डिजाइन बनाया है, ये देखो दिख रहा है ना आप लोगों को क्लियर, ये देखो। और स्लीव्स पर भी ये देखो, ये सारा सपना ने किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दे। और आपको इस कुर्ते पर काम कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस ये थी हमारी, जो भी मैंने आपको बताया था ना कि जो भी हमें गिफ्ट मिले हैं वहां से वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो ये मैंने दिखा दी आपको गिफ्ट्स और पैसे मिले थे, और इसके साथ ही मैं करती अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कर दिया करें। कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम एक नई वीडियो के लिए रेडी हो जाते हैं। और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कर दिया करें। कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम एक नई वीडियो के लिए रेडी हो जाते हैं। और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।